तो साइबर क्राइम की आंकड़े डरा रहे हैं और चिंता इस बात की भी है कि आखिर इसी तरह से अगर सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय तक लोगों के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कतें सामने आने वाली है और इसको लेकर हमारी तरफ से तैयारियां क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहाँ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। दो हजार उन्नीस से के लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को किया ढेर, भारी विस्फोटक और हथियार बरामद। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा के जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना कर दिया। इसी दौरान सुबह करीब 10:30 बजे सुरक्षा बलों का नक्सलियों से सामना हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई। एंटी नक्सल मामले में दंतेवाड़ा पुलिस को आज एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल दंतेवाड़ा से निकले हुए सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों ने बैलाढीला के ठीक पहाड़ के पीछे एंट्री और पुरेंगल के जंगलों में 9 नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह मुठभेड़ सुबह 6 बजे से शुरू हुई, रुक रुक करके दोनों ओर से फायरिंग होती रही और दोपहर 12 बजे तक खबर निकल के आई कि जवानों के हाथ एक अहम कामयाबी हाथ लग गई है। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने सारे मामले की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार एसएलआर 3/12 बोर की बंदूक बरामद हुई है। आईजीपी सुंदरराज पी के मुताबिक इलाके में पश्चिम बस्तर मंडल इकाई से जुड़े नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए भेजा गया था। काफी देर तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही, जैसे ही फायरिंग रुकी सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस तलाशी अभियान में 9 नक्सलियों के शव मौके से बरामद किए गए। हमें आसूचना मिली थी कि पश्चिम बस्तर डिवीजन और दरबा डिवीजन के कुछ नक्सली कंपनी नंबर 2 जो गंगालूर एरिया कमेटी बीजापुर में सक्रिय है, लगभग 35 से 40 के आसपास के नक्सली की संख्या की उपस्थिति की आसूचना मिली थी। ये जो एरिया है वो बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है। थाना किरंदुल अंतर्गत लावा पुरंगेल एंट्री की जंगल पहाड़ी में मुठभेड़ हुआ है मॉर्निंग में। इस ऑपरेशन में संयुक्त रूप से डीआरजी बस्तर पेट्रोल दंतेवाड़ा की टीम एवं सीआरपीएफ 111 और 230 की यंग प्लाटून की जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। मुठभेड़ लगभग मॉर्निंग सुबह से ही 6:30 बजे से शुरू है और रुक रुक कर अभी तक चल रही है। इसमें पूरी संभावना है कि हमें नक्सली का शव भी बरामद होगा और उनका कैंप मिला है, उसको ध्वस्त किया गया है और बाकी अभी मुठभेड़ जारी है, तो एक बार टीम से संपर्क होगा तो विस्तृत से जानकारी दे। घटनास्थल से नक्सलियों के शवों के पास से सुरक्षा बलों को एसआरएल 303 बोर, 315 बोर और 12 बोर के हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के साथ ही इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 154 नक्सलियों को मार गिराया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल सुरक्षा बलों ने 27 मार्च को बीजापुर में 6, 2 अप्रैल बीजापुर में 13, 6 अप्रैल को कांकेर में 3, 16 अप्रैल को कांकेर में 29, 30 अप्रैल को बुझमाड़ में 10, 10 मई को बीजापुर में 12, 24 मई को नारायणपुर में 8, 25 मई को बीजापुर में 3, 8 जून को आबुझमाड़ में 6, 10 मई को बीजापुर में 12, 15 जून को नारायणपुर में 8 नक्सलियों को ढेर किया था। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। 2004 से 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में पहले 10 साल में 6,617 सुरक्षाकर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था, अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
फिलहाल नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लंबे समय बाद इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि यह जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है, यह वही बेलाडीला के पहाड़ के पीछे का इलाका है, जिस इलाके से जवान निकल कर गए थे। इसी इलाके पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसी नदी नाले को पार करते हुए जवान वापस जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां से ये अपडेट निकल के आएगी कि आखिर जवानों ने किस तरीके से नक्सलियों को अपने चक्रव्यूह में फंसाया। जानकारी के लिए हम बता दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में जब से सरकार बनी है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुए हैं और लगातार जवानों को कामयाबी मिल रही है। दंतेवाड़ा ही नहीं, बीजापुर, नारायणपुर या फिर अलग अलग हिस्सों में कहीं पर भी ले लेंगे आप, तो नक्सलियों को इस समय भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। NDTV के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।